जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, ज्ञान की निर्झर गंगा को बहाते हुए हम आपको पुनः सुखी जीवन का आधार, या ये कह सकते हैं सुखमय वैवाहिक जीवन का आधार क्या होता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए विवाह करना आवश्यक होता है। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सभी को मां भगवती की कृपा प्राप्त हो और आप सभी धर्म के रास्ते पर चलते रहें, ऐसी कामना हम आपसे मां भगवती से प्रार्थना स्वरूप करते हैं। तो वैवाहिक कुंडली के मिलान के लिए बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है। आप कभी भी रास्ते चलते कहीं पर भी किसी भी लड़की से विवाह मत कर लो, या लड़की वाले हो तो किसी भी रास्ते चलते लड़के से विवाह मत कर लो कि लड़की के हाथ पीले करना, जैसे तैसे लड़की घर से बाहर चली जाए, ऐसा सोचना बंद कर दो। यह लड़का जवान हो गया, उम्र बढ़ती जा रही, तो यह मत सोचो कि जैसी और कोई भी औरत लाके लेकर के आ जाओ आप, क्योंकि आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो हमेशा विवाह जब भी करे कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए, और कुंडली मिलान करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में पहले कई बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार और गहराई से, जिन जिन ने हमारे पुराने वीडियो नहीं सुने हैं उनके लिए भी है ये चीज कि सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विवाह करने के पहले। यदि आप अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करना चाह रहे हैं, उसके लिए वर या वधु की तलाश कर रहे हैं, तो ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए आप वर वधु की कुंडली का मिलान सुखी तथा सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन हो, इस तरीके से कुंडली का मिलान करवाना चाहिए। यदि आप किसी खराब डॉक्टर के पास जाओगे, किसी आप कमजोर डॉक्टर के पास चले जाओगे, कम फीस वाले डॉक्टर के पास चले जाओगे, तो आपका केस बिगाड़ सकता है, आपका शरीर खराब कर सकता है, गलत गोली दवाई इंजेक्शन देकर के आपकी जान भी जा सकती है। इसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान के लिए भी आपको अनुभवी ज्योतिषाचार्य के पास जाना है। कहीं पर भी किसी भी मंदिर में बैठे हुए कम अनुभवी व्यक्ति के पास मत जाइए, उनको ज्ञान ही नहीं होता है, और न आप उनसे पूछ पाओगे कि क्या आपके पास ज्योतिष की कोई डिग्री है क्या। आप जाते हो, पत्रिका बताते हो, वो कहते साहब पत्रिका नहीं मिल रही, तो आप ही लोग कहते हैं साहब हम उसका नाम बदल देंगे, कौन सा नाम रखें और पत्रिका मिला दो, और आप विवाह कर लेते और बाद में पछताते हो, कोर्ट केस, पुलिस केस, मारपीट, सब कुछ होती है। तो सबसे पहले आपको किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के दोनों वर वधु की कुंडली का मिलान करना चाहिए, और मिलान करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखोगे वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पुनः मतलब परंपरागत ज्योतिष में वर तथा वधु के चंद्र नक्षत्र, या चंद्र नक्षत्र शब्द यूज किया गया, इस पे थोड़ा सा वजन देना होगा आपको कि चंद्र
नक्षत्र के आधार पर गुण दोषों का मिलान किया जाता है। अब जो ज्योतिषाचार्य होगा वह इस बात को अच्छे से जानता है कि चंद्र नक्षत्र क्या होता है, आप नहीं जानते। इस चंद्र नक्षत्र के आधार पर संपूर्ण जीवन का सुख तथा सामंजस्य को समझा जाता है, जिसे अष्टकुट मिलान कहते हैं। लेकिन क्या यह अष्टकुट मिलान ही एक परिपूर्ण मिलान है? नहीं। जो व्यवहारिक वैज्ञानिक आधार पर व्यवहारिक सुख सामंजस्य तथा संपूर्ण वैवाहिक जीवन का आधार प्रस्तुत करता है, यह फैसला आपको ही करना है। क्योंकि जीवन आपकी संतान के भविष्य का है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही या जल्दबाजी आपकी संतान के वैवाहिक जीवन को तकलीफ दे तथा कष्टकारी बना सकती है। इसलिए लड़के या लड़की के विवाह में जल्दबाजी मत करो कि अरे लड़की मिलेगी नहीं या लड़के मिलेंगे नहीं। विवाह के पहले वर वधु की जन्म कुंडली में देखी जाने वाली आवश्यक बातें, जो अत्यंत ही आवश्यक रूप से देखना चाहिए, वह है आप अपने पुत्र तथा पुत्री का विवाह जिनके साथ कर रहे हैं उनकी जन्म पत्रिका में सबसे पहले यह चेक कराएं कि उसकी आयु कम तो नहीं है। पहला प्रश्न आपका ज्योतिषाचार्य से होना चाहिए कि उसकी आयु तो कम नहीं है, उसका स्वास्थ्य खराब तो नहीं रहेगा, उसके स्वभाव किस प्रकार का रहेगा, उसकी प्रकृति कैसे रहेगी, उसका आक्रामक स्वभाव तो नहीं रहेगा, और उसमें भावुकता तो कितनी है, उसमें तनाव तो नहीं रहेगा ज्यादा मन मस्तिष्क में, और उसका चरित्र कैसा है। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा आपने तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और भी आप चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं कि उनमें तनाव की स्थितियां कितनी बन सकती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी उनमें है या नहीं है, रोजगार की स्थिति कैसी रहेगी, आय की स्थिति क्या रहेगी, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, अनेक विवाह होने की संभावना तो नहीं है, कोई रखेल तो नहीं रहेगी, यौन विकृति तो नहीं की, यौन उत्पीड़न तो नहीं करेगा, समलैंगिकता तो नहीं करेगा, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी इन सब प्रश्न के बारे में ज्योतिषाचार्य से पूछना चाहिए। उसके बाद एक नहीं कम से कम तीन तीन ज्योतिषाचार्य को उचित दक्षिणा दीजिए आप। उसके बाद में उनसे प्रश्न करिए और उनसे प्रश्न को लिखित में लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कौन ज्योतिषाचार्य सही है और कौन ज्योतिषाचार्य गलत है। मैं पुनः बता देता हूं कि आप यदि अपने लड़के या लड़की का विवाह करना चाह रहे हो तो दोनों माता पिता को आयु के बारे में जरूर पूछना चाहिए। उसके उम्र ज्यादा है कि नहीं है यह अवश्य पूछ ले, कोई घात होने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है वर अथवा कन्या की आयु पूर्ण होनी चाहिए। जेमिनी ज्योतिष के अंतर्गत आयु ज्ञात करने के बहुत से सटीक सूत्र हैं, जिनसे हम व्यक्ति की सही आयु का अनुमान लगा सकते हो। नाड़ी ज्योतिष में सही और सटीक आयु निकालने की बहुत ही विश्वस्त प्रक्रिया होती है, जिससे हम व्यक्ति की आयु की सही सही गणना कर सकते हैं। और स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों के विवाह हेतु जिस वर या कन्या का चुनाव आप कर रहे हैं उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। कहीं जन्म कुंडली में कोई दीर्घकालीन बीमारी तो नहीं है, कोई स्थायी रोग या बार बार रोग होने के संयोग तो नहीं है, यह भी उस ज्योतिषाचार्य से पूछो। जन्म कुंडली में कुछ विशेष संयोग होते हैं
जो मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। जैसा हम नॉर्मली सामान्य तौर पे कहते हैं कि छठवां घर सामान्यतः बीमारी का होता है, और आठवां घर में जो बीमारी रहती है वह स्थायी बीमारी होती है, और दीर्घकालीन बीमारी यानी सर्जरी वगैरह ये बारहवें हॉस्पिटल जो है वो अस्पताल को बताता है। तो इन भावों का विशेष रूप से ग्रहों तथा अन्य भावों से संबंध रोग तथा रोग के प्रकार के साथ दुर्घटना की भी जांच करवाओ। यानी कहने का अर्थ यहां पे है कि छठे भाव में, आठवें भाव में और बारहवें भाव में कौन सा घर, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और कौन सी बीमारी आपको देगा, यह आपको पता करना चाहिए। यानी छह आठ भाव में यदि कोई ग्रह बैठे हो या ज्यादा ग्रह बैठे हो तो ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों के विशेष भावों का संबंध होता है तो बार बार दुर्घटनाएं भी होती है। दुर्घटना में घायल भी हो सकते हो, दुर्घटना में अंग भंग भी हो सकता है। तो यह भी पूछो, चाहे वर का हो चाहे वधु का हो, दोनों के बारे में पूछना पड़ेगा कि क्या अंग भंग होने की संभावना तो नहीं है। और फिर वर वधु के परिवार वालों को देखना चाहिए, उनका स्वभाव व प्रकृति देखना चाहिए, उनका नेचर देखना चाहिए। यानी आपके संतान को जिसके साथ जीवन पर्यंत रहना है वो आवश्यक रूप से देखना बहुत जरूरी है कि उसका स्वभाव या उसकी प्रकृति कैसी है। कहीं गुस्सेल प्रकृति तो नहीं है। आधुनिक ज्योतिष में हम कुंडली के इस विशेष दृष्टिकोण से विश्लेषण द्वारा उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी आदत इसको देख सकते हैं और पूछना चाहिए। आप यदि पैसे देते हो ज्योतिषाचार्य को कुंडली मिलान करने के लिए अपने लड़के लड़की के भविष्य के लिए, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि उसका स्वभाव कैसा है और प्रकृति कैसी है। अग्रेसिव नेचर तो नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव और बारहवें भाव का संबंध जब विशेष ग्रहों के साथ विशेष भाव से होता है तो व्यक्ति का स्वभाव भयंकर आक्रामक हो जाता है। यानी कि जब इसमें आठवें भाव में या बारहवें भाव में मंगल के साथ प्लूटो बैठ जाए तो वह अनियंत्रित आक्रामिक क्रोध करता है। यानी ऐसा क्रोध जिसको हम अंधा क्रोध कहते हैं, क्रोध में वह पागल हो जाता है, उसके द्वारा साथी को मारना पीटना हिंसा का रूप ले लेता है, शारीरिक यातना देना भी उसमें शामिल हो जाती है। इसलिए अष्टम भाव में और बारहवें भाव में मंगल के साथ यदि प्लूटो बैठा हो तो ऐसे लड़के लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मस्तिष्क के ऊपर पागलपन सवार होता है। मंगल तथा प्लूटो की विशेष परिस्थितियों के साथ अधिकांश ग्रह जन्म कुंडली में इस प्रकार का संयोग बनाते हैं। तो कई बार तो मनुष्य हत्या भी कर देता है क्रोध क्रोध के अंदर, ऐसे कदम भी उठा लेता है। तो जितने डकैत लोग रहते हैं, आतंकवादी लोग रहते हैं, इनकी कुंडली में यह संयोग मिलता है मंगल के साथ प्लूटो अष्टम भाव में या फिर बारहवें भाव में बैठा हुआ रहता है। अरे आपके लड़के या लड़की की जिंदगी का सवाल है। विवाह करने के पहले दो या तीन अच्छे अनुभवी ज्योतिषाचार्य से यह प्रश्न अवश्य करो जो मैं आज आपको बता रहा हूं। डिप्रेशन और सेंटिमेंटल भावुकता कितनी है उसमें, तनाव कितना रहेगा जिंदगी के अंदर। यदि लग्न कुंडली में, लग्न में जल तत्व की राशि हो, यानी कर्क राशि हो, और जल तत्व ही बैठा हो
तो व्यक्ति बहुत भावुक होता है, हर बात बात पे रोने लगता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। परंतु मुख्यतः जब कर्क लग्न में यह स्थिति हो तो वह व्यक्ति को और ज्यादा भावुक बना देती है। वह जब किसी के साथ जुड़ता है तो दिल से जुड़ता है, आत्मा से जुड़ता है। और यदि लग्नेश या किसी भी लग्न में प्रथम भाव में बैठे ग्रह जब लग्न जन्म कुंडली में अन्य विशेष भावों के संयोग के साथ में अन्य त्रिक भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति भावुक तो होता ही होता है, उसके साथ साथ कई मानसिक परेशानियों का भी शीघ्र शिकार हो जाता है। तो जब इस प्रकार के संयोग होते हैं तो व्यक्ति में तनाव आता है, मानसिक व्याकुलता हो जाती है, अत्यधिक भावुकता स्वरूप जीवन व्यापन करता है, छोटी छोटी परेशानियों से हताश हो जाता है, नकारात्मक विचारधारा उसके मन में आने लगती है, शकी स्वभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य संयोग हो तो यह स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है और वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए ज्यादा भावुकता भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा डिप्रेशन यानी तनाव भी नहीं होना चाहिए। और चरित्र, ये तो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रोल अदा करता है। यदि 12वें घर से कुछ विशेष भाव तथा ग्रहों के संयोग से व्यक्ति को पर पुरुष या पर स्त्रीगामी बनाते हैं, इस स्थिति में कुछ विशेष ग्रहों का संयोग हो जाता है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सभी स्थितियों का बहुत बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है और केवल एक दो ग्रह से नहीं बल्कि सभी ग्रह और सभी भावों का देखा जाता है। तो कुंडली मिलान सुखी वैवाहिक जीवन का आधार होता है और कुंडली जब चेक करते हैं तो उनमें यह भी देखा जाता है कि तलाक होने की संभावना तो नहीं है, अलगाववादी प्रवृत्ति तो नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए विवाह किया जाता है वह है संतान उत्पत्ति की क्षमता। स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता अवश्य देखना चाहिए कि कहीं पर कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री या पुरुष, कोई भी वर और वधु क्या संतान उत्पन्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या संतान गर्भ में मरने की संभावना तो नहीं है, या संतान उत्पन्न होने के बाद मरने की संभावना तो नहीं है, वंश वृद्धि होने की संभावना भी है या नहीं है, रोजगार अथवा आय की स्थिति कैसी रहेगी यह भी अवश्य देखें, कितनी बार वह दरिद्री होगा यह भी अवश्य उनसे प्रश्न पूछें, पैसा रहेगा या नहीं रहेगा यह भी पूछें, उसका भाग्य कैसा रहेगा यह भी अवश्य पूछें, और चाहे लड़का हो या लड़की हो उसका कई प्रेम संबंध होने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि कई बार विवाह के बाद भी हम देखते हैं वर वधु भटक जाते हैं, अनेक विवाह तथा रखेल या स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध रखने लगती है, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो जाती है, यह भी उस पत्रिका में देखा जा सकता है। और दोनों की पत्रिका में एक और बात देखी जाए कि यौन विकृति तो नहीं है, बहुत ज्यादा कामुकता तो नहीं है, क्या यौन उत्पीड़न तो नहीं होगा, ये बात भी अवश्य देखें। तो जन्म कुंडली से जीवन को अच्छे से देखा जा सकता है, बशर्ते कि आप अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास आप जाएं। तो ज्योतिष शास्त्र का सर्वोत्तम व्यवहारिक उपयोग यही है कि हम आज आने वाले कल के लिए बेहतरीन जीवन का प्रबंध कर सको, और यदि ऐसा कहीं न कहीं पर उसमें गड़बड़ी है थोड़ी बहुत भी, तो उन्हें कुछ आसान उपाय करके और आवश्यक उपाय करके, सही समय पर सही उपाय करके, जन्म पत्रिका के अनुसार जो नकारात्मक ग्रह उन्हें सकारात्मक बनाया जा सकता है और सही मार्ग का चयन किया जा सकता है और सही मार्ग में परिश्रम किया जा सकता है। तो जन्म पत्रिका
को प्रयोग करके सुखी और खुशियों से भरा जीवन आप प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस प्रकार से आपको वर वधु का विवाह करते समय, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वर वधु के बारे में, इन चीजों के संबंध में अवश्य ज्योतिषाचार्य से पूछे, क्योंकि यह भी एक जीवन को अच्छे से बता सकता है और सहज रूप से आप उसको समझ सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सत बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप अपने लड़के या लड़की के विवाह के समय पे सही ज्ञान प्राप्त कर सके, सही व्यक्ति तक पहुंच सके और सही मार्गदर्शन आपको मिल सके। इसके लिए परोपकार करते रहें, पुण्य का काम करते रहें, गरीब व्यक्तियों की सेवा करते रहें, किसी निर्धन को पढ़ने की इच्छा रखता हो तो पढ़ाते रहें। इस ठंड के मौसम में आप कंबल वितरण कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में पानी का वितरण कर सकते हो और बरसात के मौसम में किसी को प्लास्टिक दे सकते हो। यही पुण्य का कार्य है। और भूखे को भोजन कराना, पैसा मत दीजिए, पैसा कभी भी दान में मत दीजिए। आप हमेशा किसी को भी देना हो दान तो आप भोजन के रूप में दान दीजिए। उसको जो भी सामने नजर आ रहा हो वो भोजन खरीद करके दे दीजिए। पूछ लीजिए कि भोजन खाएगा तो उसे भरपेट भोजन कराइए। बस इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। किसी की सहायता करें, विधवा की सहायता करें। किसी के पास घर नहीं है तो विधवा का घर बनवा दीजिए। कोई पढ़ने में सक्षम नहीं है, बच्चा पर पढ़ने की लालसा है तो उसे पढ़ा दीजिए। बस आपका घर परिवार सुखी रहेगा। ईश्वर हर कर्म हर सांस को देख रहा है, उसके करोड़ों करोड़ों कैमरे लगे हुए हैं और आपके इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी चिप डली हुई है उससे आप एक्टिवेट हो और कंपनी ईश्वर परमात्मा चला रहा है। तो इस मोबाइल के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी मैसेजेस दे रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो, उन सब की फोटोग्राफी, उन सब की लिखावट भगवान के कंप्यूटर में जा रही है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। जैसे खेत में बीज बोओगे वैसे ही आपको पेड़ पौधों से फल की प्राप्ति होगी। जैसे आप जमीन में वृक्ष उगाओगे वैसे ही फल की आपको प्राप्ति होगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, ऋषि मुनि जो कह गए हैं उनका पालन करिए और हर सांस में, हर क्षण में ईश्वर को याद करते रहिए। हे मां, हे मां, हे मां, और जय मां, जय मां, जय मां। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। राम 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 राम। हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः। अरे सांस में जिसका भी नाम लो, बस लिखा गया है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। जय मां, जय मां, जय मां।